Hey everyone, good morning. तो आज हमारे पास आया है एक और 2006 मॉडल फोर स्पीड इलेक्ट्रा। इसके हैंडल बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो इसके हम वॉल रेसर किट डालने वाले हैं आज हैंडल की। तो आपको दिखाते हैं कि उसके लिए क्या कुछ हमें खोलना पड़ेगा और कैसे ये वॉल रेसर किट डलेगी। देखते रहिए गाइस हमारे साथ। तो गाइज आपको बता दें कि यहाँ पे एक एलकी का एक स्क्रू होता है 8 नंबर का, तो थोड़ा हिडन होता है ये नट, तो इस स्क्रू को सिर्फ ढीला करना होता है। ये टी के लिए लॉक नट होता है, ये जो टी है हमारे हैंडल की टी, इसको ये लॉक करके रखती है। तो सिर्फ ये हम ये वाला स्क्रू 8 नंबर का लूज़ करेंगे, करेंगे इसको ढीला कर, और उसके बाद हमारी टी बाहर मडगार्ड खुलने के बाद। ये टी बीच में करा भी दे दो, इसको लॉक कर दिया। अशु भाई कैसे हो? आगे भाई चल रही आगे किसी चल दे नीचे निकाल ले ओ निकाल ले गिरा दिया आशीष वो एक बैरिंग हुआ करंट तो एक यहां पे ये जो कौन सेट है ये नीचे के जो कॉलर है चार कॉलर आई हैं इसमें ये चारों के चारों खराब हो चुके हैं हमारी। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पुराने वाले जो बॉल हैं ये निकालने पड़ेंगे। पूरा सेट आएगा कंप्लीट ही। और टीवी दिखा भाई फिर ये बॉल बैरिंग हम निकालोगे। लो आशी भैया जी पकड़िए ये देख सकते हैं गाइस ये खराब है नीचे से काफी ज्यादा, इसमें जो दाग है वो पड़ चुके हैं अगर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ऊपर वाला भी निकालते हैं अभी ऊपर रंग लगा के। पांडे जी यहाँ से करना दोनों साइड से लो।
ठीक है डालने वाले आप उसका प्राइस भी दे सकते हैं 530 भाई कैंची देना इसको खोल के दिखाते हैं आपको अंदर की कंडीशन एक और सिग्रम से और ये इसके बॉल्स हैं इसके जो पैकेट में ही बंद है पूरे इनको भी हम खोलते हैं पहले ये जो कॉलर है इनको सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे ये आ गया नया वाला ठीक है नया ही है ना तो इसको फिट करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ नई वाली के ऊपर एक पुरानी वाली कॉलर रखो इस तरह से और फिर इसके ऊपर धीरे धीरे चारों तरफ से मारना ताकि ये बैठ जाए ओके खींच मत हाँ ऐसे रख कंफर्म करने के लिए ये टाइट हुआ या नहीं तो ये कप अगर ये पूरा बैठा नहीं होगा तो ये कप घूमता रहेगा हमारा तो आप देख सकते हैं कि कप एक जगह पर स्टील है घूम नहीं रहेगा तो मतलब ये बैठ सकता ठीक है आप देख सकते हैं हमने धोने के बाद ये सारी सेटिंग कर दी है नए जो कलर थे वो लगा दिए हैं यहाँ पे भी अंदर भी और यहाँ पे भी चेसी में भी सब जगह में तो अब इसमें हम लगाने वाले हैं ये बॉल बैरिंग ग्रीस लेके आओ तो आपको दिखाते हैं कि बॉल बैरिंग ओरिजिनल सागर भैया ठीक है ये जो ऊपर और नीचे वाले जो कॉर्नर है हमें मिलाने पड़ेंगे ये कुछ इस तरह से मुकेश छोड़ दे भाई पास तो अब इसको हम हिलाएंगे नहीं नीचे से वटी लगाएंगे इस तरह ऐसे भाई करण यहाँ से ऐसे पकड़ना है ये आ गई इसकी टी जो कि हम डालने वाले हैं यहाँ से धीरे धीरे इसको हल्के के चौक मारे करण उठे प्लास्टिक है मटे भी तो हम इसको यहाँ से मारेंगे भाई तो ये ऊपर निकलेंगे यहाँ पे ठीक है आशिक दबा के रख इसको उठाना है करण पूरा दबा के तो मुकेश जी शोकर किस साइड का है किस साइड का है पक्की बात है पक्का शोकर फंसाने की तो शोकर जैसे ऐसे भी खोले थे टाइट हम वैसे ही करेंगे ऊपर को लो भाई हो गया
सर जल्दी बेटा जल्दी लगा दे देख दो मेरे पास इसको एक और बुलेट रेडी कर दिया है, स्टेयरिंग वगैरह हमने इसका पूरा जो वॉल रेसर किट थे हमने नए डाल दिए, तो अभी मैं और करण फिर से वापस इसकी राइड लेके आते हैं, तो देखते हैं कि वापस आके थोड़ा बहुत हैंडल इसका लूज़ होता है कि नहीं, या तो फिर चलाने के लिए और टाइम देंगे कस्टमर को। तो चल करण भाई एक राइड मार के देखते हैं इसकी। अरे